music. हाँ तो भैया कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। साल का आखिरी महीना आ चुका है, अब तो उम्मीद है कि आपके अंदर जोश भर गया होगा कि साल भर जो काम नहीं किया वो इस एक महीने के अंदर तो करके ही रहेंगे। तो भैया वीडियो का इंट्रो देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो क्या होने वाला है, तो आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं। तो चलिए बिना देरी किए सीधा ही वीडियो को शुरू करते हैं। पापा की परियों से एक्सीडेंट होना आजकल आम बात है, लेकिन कितने खुश नसीब होते हैं एक्सीडेंट वाले वो लोग जिनकी मदद करने के लिए खुद पापा की परी आ जाती है। लेकिन जब उनके साथ ऐसा हो जाता है तो एक्सीडेंट अगली बार जब भी करेंगी तो मदद करने से 100 बार पहले सोच लेंगी। हाँ तो देख रहे हो भैया, सब अजय देवगन की मोह माया है। हाँ तो भैया मिलिए अब इन दीदी से जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने निकली है। अब जब इन्हें भूत डरा रहे तो बॉयफ्रेंड का भी फर्ज बनता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाए। बात सही है। हाँ तो भैया अब समझ नहीं आ रहा है कि भाई साहब ने दीदी की मदद तो कर दी, लेकिन अब क्या दीदी इन्हें छोड़ के चली जाएगी कि नहीं जाएगी। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। वैसे छोड़ो, लेकिन आपने क्या एक बात नोटिस की, दीदी के बालों की मजबूती तो बहुत है, ये तो मानना पड़ेगा। हाँ तो भैया आप जरा इन दीदी को देखो जो कि इस टॉमी को पकड़ रही है, तो ये टॉमी भी दीदी की फेवरेट जगह ले जाता है। नहीं समझे? कोई नहीं, समझ जाओगे, वीडियो तो देखो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। हाँ तो भैया अब तो जानवर भी इतने समझदार होने लग गए कि जब पापा की परिया ड्राइविंग कर रही होती है तो उनकी फेवरेट जगह नाली होती है। हाँ तो भैया ऑफर मिलना आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन भाई साहब को तो घर बैठे बैठे ऐसा ऑफर मिलता है कि इनकी तो ऐसे लगता है जैसे किस्मत ही बदलने वाली है। 400 रुपए में जिंदगी भर बैठ के खाइए, 400 रुपए में जिंदगी भर बैठ के खाइए, 400 रुपए में जिंदगी भर बैठ के खाइए, 400 रुपए में भैया 400 रुपए में जिंदगी भर बैठ के खाइए दीजिए भैया, 400 रुपए मात्र 400 रुपए। एक पल के लिए तो भाई साहब का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था, सोचा अब तो जिंदगी भर बस बैठे ही रहने, कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब भैया सच्चाई पता चली तो बेचारी की अपनी किस्मत पे रोना आ रहा है। अब जरा एक बार इन दीदी को देखो जो भी शॉपिंग करने आई है, अब गेट बंद करना है तो यहाँ पे तो अपना एक्शन दिखाना बनता है कि नहीं बताओ। अरे अरे मैं तो सोच रहा था दीदी गेट बंद करने के लिए कोई छोटा मोटा एक्शन करेंगी, लेकिन नहीं, इन्होंने तो क्या गजब का एक्शन किया है, मैं तो फैन हो गया इनका। Women. अरे दीदी ये क्या कर दिया, इस जानवर ने आपसे बचने के लिए तो बाइक के पीछे कितना मुश्किल से छुपा था, लेकिन आपने तो इसे यहाँ भी नहीं छोड़ा। अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। हाँ तो भैया बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना।